गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्मी तनवर, पीजीटी ऑफ बायोलॉजी, एंड अगेन वी आर डिस्कसिंग आर नेक्स्ट टॉपिक। वैसे हमने डिस्कस जो किया था वो थोड़ा था, वो वीडियो बीच में कट गई थी, उसकी वजह से स्किप हो गया। तो अभी हम रेगुलर करेंगे। वहाँ से वन हार्ट बीट हम डिस्कस कर रहे थे कि हार्ट बीट क्या होती है और वो कैसे अपना हार्ट अपना फंक्शन करता है। तो हार्ट बीट मैंने आपको बताया था, हार्ट बीट में दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब फैलना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि जो वन हार्ट बीट होती है उसमें थ्री फेजेस में कंप्लीट होती है, वो आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। उससे पहले हम करेंगे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं बेटा आप, तो मैंने एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, जस्ट इमेजिन करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर चार चैम्बर बनाए हैं, दो ऊपर और दो नीचे, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल। ये हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट होता है, आपको पता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल प्रेजेंट होता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्व, देखेंगे वॉल्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं तो वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स जब ब्लड पंप करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है और राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है एओर्टा में। तो यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो कौन से वाल्व होते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं वो। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे करते हैं। हमने आपको बताया कि फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल नाम से ही पता चल रहा है, जब दोनों ऑरिकल्स, दोनों आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करें मतलब सिकुड़ें। अब सिंपल सी बात है भाई, ये सिकुड़ेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, बैक फ्लो तो होगा नहीं क्योंकि वाल्व प्रेजेंट है हर जगह। तो जब आर्टेरियल सिकुड़ेंगे तो ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल सिस्टोल या फिर आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है, उसमें इसमें हमारे आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, और ब्लड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ब्लड जैसे ही ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है तो जैसे ही दोनों में प्रेशर इक्वल हो जाता है तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व की क्लोज होने की आवाज़ आती है। क्लोज होने की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, लब। दोनों जब एक साथ क्लोज होते हैं तो उसको कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब, जिसे हम फर्स्ट हार्ट बीट कहते हैं, लब साउंड कहते हैं, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट कहते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड फेज है वो क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल। सेकंड फेज है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। भाई जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बैक फ्लो तो होगा नहीं कि ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनार वाल्व। तो जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में जाता है, तो जैसे सारा ब्लड चला जाता है तो वापस से वो रिलैक्स पोजीशन पे आते हैं। रिलैक्स पोजीशन पर जब कोई भी ऑरिकल, कोई भी चैम्बर आता है तो वो ब्लड से फिल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से ब्लड किसी आगे वाले पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। लेकिन जैसे ही ये फर्दर अपने रिलैक्स पोजीशन पर आएंगे तो कहाँ से ब्लड को शक कर लेंगे, ऑरिकल से ब्लड यहाँ आ जाएगा, और उस टाइम पर ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा होगा और यहाँ पर डायस्टोल हो रहा होगा। तो इसको कहेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। और वेंट्रिकल डायस्टोल में जब सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज ओपन होकर जब क्लोज होते हैं तो क्लोज होने पर आवाज़ आती है डब की। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड साउंड प्रोड्यूस करते हैं लब, और सेमी ल्यूनार वाल्व साउंड प्रोड्यूस करते हैं डब। उसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब जब चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन पे हों, तो उसमें चारों चैम्बर जब रिलैक्स पोजीशन पर हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं, फुल हार्ट फिल विद ब्लड, वेंट्रिकल और ऑरिकल सारे ही ब्लड से भरे हुए हों, रिलैक्स पोजीशन पे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट डायस्टोल कहेंगे और ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वन हार्ट बीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे, अब सिंपल सी बात है कि आपको ये बताना होगा, मान लो मैं आपको पूछ लेती हूँ कि जॉइंट ऑरिकल मतलब सॉरी सिस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल के टाइम पर क्या होगा, तो ऑरिकल सिस्टोल के टाइम पर क्या होगा भाई, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल
रिलैक्स करेंगे और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होकर क्लोज होंगे तो लब की साउंड प्रोड्यूस होगी और ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे चारों चैम्बर्स रिलैक्स पोजिशन पर रहेंगे और कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, चारों चैम्बर्स में ब्लड फिल रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ और जॉइंट सॉरी वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल में दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स पोजीशन पे होंगे। ठीक है, ये ऊपर से ब्लड फिल कर रहे होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से ब्लड फिल कर रहे होंगे, ये रिलैक्स पोजीशन पे होंगे, यहाँ डायस्टोल हो रहा होगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आगे की तरफ आ जाएगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा और हमारे यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी डब की। तो आज हमारे हार्ट बीट में इतना ही, उसके टाइमिंग में आपको बता देती हूँ कि क्या टाइमिंग है इसका। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करते हैं, टाइमिंग के बारे में कल डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने बता दिया 0.8 सेकंड में ये कंप्लीट होता है, जिसमें से 0.1 ऑरिट्रियल सिस्टोल और 0.7 वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइमिंग होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हर हमारे 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और 70 और एक बीट में, एक हार्ट बीट में वो हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है, 70 ml। तो एक मिनट में एक हार्ट बीट में हमारा हार्ट 70 ml ब्लड ट्रांसफ़र कर देता है, पंप कर देता है। तो 72 हार्ट बीट में कितना करेगा, तो 70 × 72 तो कितना आ जाएगा, 5000 ml अप्रोक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट में हमारा ब्लड कम से कम 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअल में होती है 1 हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट बीट में जितनी भी वॉल्यूम हमारा हार्ट पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड को पंप करता है, तो वो क्या हुई, हमारे हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।